सो हेलो एंड वेलकम, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, हम बात करने वाले है एक स्टॉक के बारे में जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जिसका नाम है यस बैंक इंडिया, यस बैंक लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यस बैंक का करंट प्राइस चल रहा है 13.35 रुपये का, और इसमें 0.75% की तेज़ी देखने को मिली थी गुरुवार के दिन, अपना शुक्रवार के दिन। और 5 दिन के टाइम फ्रेम पर बात करें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, और 1 महीने के टाइम फ्रेम पर बात करें तो यस बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 14 रुपये का शेयर 13 रुपये पर आकर रुक गया था, और इसका जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ का है। अगर इसके NSE में बात कर ले उसके चार्ट पे जाके, तो आप देख सकते हो 9,99,000 समथिंग, 10 लाख के समथिंग इसमें सेल हुए हैं, इसके शेयर्स को सेल किया गया है। 11,22,70,000 इसमें ट्रेडिंग हुई है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये जो नंबर्स है, 11,22,70,395 इसमें ट्रेड हुई है। 35% का इसमें इसका ट्रेड का जो क्वांटिटी, मतलब इसका जो डिलीवरी है वो इसमें की गई है। तो अगर न्यूज़ की बात कर ले तो आप देख सकते हो यस बैंक एक्सपेक्टिंग अ लोन ग्रोथ ऑफ 15% का इन्होंने लोन लिया है, लगभग 15,000 करोड़ का मार्च क्वार्टर में। और इसके जो डायरेक्टर है, जो चीफ है, उन्होंने प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि कोविड के कारण यस बैंक पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण ये स्टॉक डाउन है। इसको आगे इसकी ग्रोथ के लिए उन्होंने लोन उठाए हैं, जिससे यस बैंक में अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। जो इसके चीफ है, ये जो हुआ है 35% का इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें ये भी आसार है कि जो इसके चीफ एग्जीक्यूटर है प्रशांत कुमार, उन्होंने भी इस बैंक में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है इस बैंक के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो हो सकता है कि इस बैंक आगे अच्छा हमें रिटर्न दे सके। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।